students, today we will start our history chapter lesson 9, establishment of company rule in india. here, company word related with the east india company established by the britishers. up story kya thi? Kaise how the britishers came in india. have you heard about vasco gama? वॉस्को डिगामा वॉज अ पॉर्तुगीज एक्सप्लोर ढूंढने गया था अमेरिका बट एक्सीडेंटली ही लैंडेड एट कालीकट कालीकट इज़ अ कोस्टल एरिया इन केरला लैंडेड इन कालीकट इन फोर्टीन नाइनटी एट एंड दिस मार्क् द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियंस यहीं से यूरोपियंस हमारे देश में एंटर हुए एंड आफ्टर entering in India, the Portuguese established their colonies. They established their colonies in Goa. After that, India became a destination for the large number of traders, adventurers and the missionaries. Missionaries means a person, a religious person who sent to different countries or areas to promote their religion. धर्म का प्रचार करने वाले मिशनरीज जो अलग अलग कंट्रीज से आए इंग्लैंड स्पेन फ्रांस हॉलैंड अब इंडिया जो है एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इसके बाद स्टार्ट हुआ एज ऑफ इम्पीरियलिज्म इम्पीरियलिज्म मीन्स आप इसको कहते हो इसको ये भी कह सकते हो रॉयलिज्म और इसको आप एक वर्ड शॉर्ट जोड़ सकते हो कॉलोनियल अब अभी कॉलोनियल आपके लिए बिल्कुल नया है कॉलोनियल जो है रिलेटेड टू द कॉलोनीज मीन्स वेन अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री और कंट्रीज इन ऑर्डर टू बिकम रिचर कोई शक्तिशाली देश किसी वीकर कंट्री को उसके रिसोर्स का इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल करे फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स कारण क्या था कैसे यूरोपियंस बिकेम सक्सेसफुल एस्टैब्लिश इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज कैसे सबसे बड़ा फैक्टर था द डिसंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर याडेड इन सेवेंथ क्लास वट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर सबसे पहला फैक्टर था औरंगजेब 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 की डेथ के बाद जितने भी किंग आए वो सब वीक थे औरंगजेब के बारे में खुद आपने पढ़ा है ही अडॉप्टेड, रिलीजियस इनटॉलरेंस पॉलिसी वीक सक्सेसर उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपने चैप्टर में पढ़ा मैनी ऑफ देम सेटअप दे आर इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक बंगाल हैदराबाद एंड मैसूर और दूसरी तरफ मराठा जाट एंड राजपूत दे ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम दे वर ऑलवेज अगेंस्ट द मुगल एम्पायर हमेशा मुगलों के एनिमी रहे अगेंस्ट रहे और द यूरोपियंस टेक द एडवाटेज ऑफ द सिचुएशन यूरोपियंस ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया एंड दस मार्क द बिगिनिंग ऑफ एम्परियलिज्म यहीं से स्टार्ट हुआ ये कलोनियल पावर सबसे पहले द ब्रिटिशर्स सेटअप देअ ट्रेडिंग कंपनीज नीयर द कोस्टल एरियाज ट्रेडिंग कंपनीज बनाई एंड दीज ट्रेडिंग सेंटर्स और कॉल फैक्ट्रीज इनको फैक्ट्रीज नाम दिया गया वेयर द्लेस वेयर द फैक्टर्स और ऑफिशल वर्क अब इंडस्ट्री और ट्रेडिंग सेंटर्स क्या होते हैं जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं है? like land, labor, capital, ये फैक्टर्स क्या हैं लाइक लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रीनोर ये चार चीज़ें रिक्वायर्ड होती है किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए तो ये सब मिलकर इन ट्रेडिंग सेंटर्स में काम करते थे और सम ऑफ द फैक्ट्रीज़ वर फोर्टिफाइड मींस कुछ फैक्ट्रीज के चारों तरफ किलाबंदी कर दी गई ताकि जो इनके राइवल्स हैं एनिमीज हैं वो इनमें एंटर ना कर सके एंड दे ब्रॉड स्पाइसेस कॉटन टेक्सटाइल इंडिगो इंडिगो मीन्स अ ब्लू कलर विच इज़ यूज फॉर वाइटनिंग द क्लोथ्स आपकी मम्मी डेली uh, कपड़ों को वाइट करने के लिए नील का इस्तेमाल करते थे दिस इज नॉन एज इंडिगो एंड साल्ट पेटरे सॉल्ट पेटरे क्या है अ रॉ मटीरियल यूज फॉर मेकिंग गन पाउडर सॉल्ट पेटरे का इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए किया जाता था ये सब चीज़ें ये चीपर रेट पर इंडिया से खरीदते थे एंड सोल्ड दैम इन यूरोप एंड अमेरिका एट हाई प्राइस हाई प्राइस पे इन यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में बेचते थे जिससे इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था और इससे क्या हुआ जो अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया अब इनकी रेवल्यू जो एनिमी कंपनीज़ थी वो थी बेसिकली द फ्रेंच इसके बाद द ब्रिटिशर्स सेटअप द ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टेब्लिशमेंट हुई इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए सबसे पहले सूरत में उसके बाद थ्री प्रेसिडेंसी सेटलमेंट प्रेसिडेंसी जहाँ पे ये ब्रिटिशर्स रहते थे मतलब आप कह सकते हैं रॉयल एरिया वेयर द ब्रिटिशर्स सेटल्ड अब कहाँ कहाँ थे ये फोर्ट विलियम इन बंगाल सेकेंड फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड द बॉम्बे कैसल बॉम्बे कैसल कैसल मीन्स लार्ज बिल्डिंग बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग्स जो आप मद्रास बंगाल में देखते हो ये बिल्डिंग्स ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी ओके नेक्स्ट आती है बात कि हाउ दे इस्टबलिश दे आर ट्रेडिंग कंपनीज़ सबसे पहले इन्होंने क्या किया दे दैबलिश द फ्रेंड रिलेशन विद द लोकल फ्रेंड्स उनके साथ फ्रेंड रिलेशन्स बनाए उनको हेल्प की जैसे उनके आपस में ही एनिमीज़ होते थे इंटरनल राइवल्स होते थे उनसे बचाने के लिए अपनी आर्मी ये ब्रिटिशर्स देते थे इस तरह ये फ्रेंड्स बन गए एंड दे साइन ट्रीटीज़ उनके साथ कुछ ट्रीटीज कुछ डील भी की ब्रिटिशर्स ने एंड स्लोली द ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग कंपनी बिकम इम्पीरियल पावर इतनी पावरफुल पावर power जो थी वो ब्रिटिशर्स के हमारे देश में बन गई उसके बाद जैसे ही ये बने तो क्या क्या इन्होंने व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स फर्स्ट था टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट दूसरी जितनी भी इनकी दूसरे ट्रेडर्स थे उनसे इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट किया कैसे प्रोटेक्ट किया बाई फॉर्टीफाई द ट्रेडिंग सेंटर्स सेकेंड टू कोवर पोलिटिकल कंट्रोल धीरे धीरे जो ये लोकल प्रिंस थे इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश किए धीरे धीरे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करने लगे तो धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिकल पावर के अंदर ये धीरे धीरे घुसते चले गए नेक्स्ट द मेन एम इस कंपनी का मेन एम क्या था टू गेन मोनोपोली ऑफ ट्रेड पूरे के पूरे ट्रेड पर सिर्फ ब्रिटिशर्स का कंट्रोल एंड फॉर दिस सेट सेटअप देयर ओन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एक पावरफुल फोर्स सेट सेटअप देयर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर इन बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे और धीरे धीरे द ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एन एग्जलरी गवर्नमेंट अग्जलरी गवर्नमेंट मीन्स जो किसी को सपोर्ट करते हैं विद मिलट्री हेल्प लेकिन दिस मिलिट्री पावर एंडेड इन एटीन फिफ्टी एट जब रिवॉल्ट हुआ था एटीन फिफ्टी सेवन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसके बाद ये रिवॉल्ट तो फेल हो गया बट एटीन फिफ्टी एट में द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड ओके स्टूडेंट्स i hope you have understood this topic after listening this video you will read this topic with the help of your book okay thank you student have a nice day